मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद अपने बलबूते पे, जो भी आज इस मुकाम पर भी है, अपने बलबूते पे है। कि मतलब उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जब तक यूएस पाकिस्तान के साथ नहीं बिगाड़ेगा तो इंडिया के साथ अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की शुरू से यही सोच जो है ना, हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करना और नीचे देखने की, मैं इसी वजह से इनके खिलाफ थोड़ा सा हो जाता हूँ, इनकी सोच के खिलाफ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने एक और धमाका कर दिया, और वो धमाका हुआ है पाकिस्तान में और यूएस में, और एक ही धमाके से उन्होंने पाकिस्तान को यूएस को दोनों को लपेट लिया। अब धमाके यूएस में और पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी बिलबिलाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन पाकिस्तानियों को बिलबिलाता हुआ देखने से पहले एक बार पहले जान तो ले आखिर जयशंकर जी ने आखिर ऐसा कहा क्या। ठीक है, जयशंकर जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनावों को सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। सही बात है। जयशंकर जी के बोलने का मतलब ये था, वही पाकिस्तान कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववाद में समर्थन करता है, वहाँ पे आतंकवादियों को हथियार पहुँचाने का काम करता है, उनको फंडिंग करने का काम करता है, वहाँ पे अलगाववाद फैलाने की कोशिश करता है, वहाँ के लोगों को उकसाने की कोशिश करता है, ये सारे काम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो जयशंकर जी ने एक तीर से दो निशाने कर दिए। जब जयशंकर जी तीर चलाए और पाकिस्तानी ना बिलबिलाए, ये तो हो ही नहीं सकता भैया, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की एक पत्रकार है रिवा इमरान, वो इस विषय पे लोगों के ओपिनियन लेने गई है कि पाकिस्तानी इस विषय पे क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी सोचते भी है क्या? नहीं। सोचने वाली बात तो ये है। और पाकिस्तानी दिमाग से पैदल होते हैं और आजकल सिर्फ भारतीयों के मनोरंजन के काम के बच्चे हैं। तो मनोरंजन में कोई कमी नहीं आएगी भैया। आपका नाम? सोहेब अहमद। सोहेब, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, वो रिलेशंस हैं, गुड रिलेशंस तब डेवलप होंगे, ये डिपेंड करता है यूएस का, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन पे। जब तक यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर नहीं होंगे। क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ पर मैं इसलिए कुछ अजीब सी कश्मकश में पड़ गया हूँ कि मतलब उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जब तक यूएस पाकिस्तान के साथ नहीं बिगाड़ेगा तो इंडिया के साथ अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की शुरू से यही सोच जो है ना, हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करना और नीचे देखने की, मैं इसी वजह से इनके खिलाफ थोड़ा सा हो जाता हूँ, इनकी सोच के खिलाफ। मैं समझता हूँ एक इंतहाई घटिया सोच है और गलत बात है। इससे तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक घटिया सोच है, और इसी के साथ ये घटिया बयान भी है कि पाकिस्तान के यूएस के साथ, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही घटिया सोच है और घटिया बयान है कि पाकिस्तान के यूएस के साथ जब तक ताल्लुकात बुरे नहीं होंगे तब तक जो है यूएस और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। तो इस चीज़ के बारे में उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आपने अगर किसी मुल्क के साथ अपने रिलेशंस कायम करने हैं तो उसके अगर किसी भी मुल्क के साथ कुछ भी रिलेशंस हैं तो आई डोंट थिंक दैट इट मैटर्स। तो आप लोग कम से कम अपने काम से और अपने रिलेशंस से काम रखें, पाकिस्तान से जलना छोड़ दें, और जिस तरह से आप लोग अपनी तरक्की की, सो कॉल्ड तरक्की की राहों पर गामजन हैं, आप उसी तरह रहें। हमें, वी इवन डोंट केयर अबाउट यू गाइस, इंडियंस खास तौर पे आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमने कभी किसी की तरक्की से जेलसी का फैक्टर हमें नहीं है, ना ही जेलसी आती है। सो तुम्हें जेलसी फैक्टर होगी तब ना जब तुम कुछ अच्छा करोगे। तुमने तो हमेशा दुनिया का बुरा ही किया, और तुम लोग जितने आतंकवादी बनाते हो मेरे भाई, अगर इंडिया भी अगर ये आतंकवादी बनाने लग जाएगा तभी तो जेलस करोगे ना। अबे साले, इस तरह का बयानात से परहेज करें और अपनी तरक्की पे फोकस करें। वो तो अपनी तरक्की पे सर फोकस कर रहे हैं, वो तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके। मेरी बात सुने, पाकिस्तान से आगे निकल जाना कोई उन्होंने बहुत बड़ा मार्का नहीं मार लिया? अगर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, सुपर पावर बन, हम मानते हैं, हम लोग उन्हें इस बारे में अप्रिशिएट भी करते हैं। चल झूठा, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। मैंने तो पहली बात ये की कि हमें जेलसी वाला फैक्टर नहीं है। हम वो कौम है जो हम सीखने की आदत रखते हैं और हम किसी से भी अच्छी बात को सीखने में देर नहीं लगाते, हम लोग सीखते हैं। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि जो उन्होंने बात की है, अब आप खुद सोचें, अगर आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात इस तरह से कर रही हैं, उनका बयान मुझे सुना के मुझसे जवाब ले रही, तो आप एज अ पाकिस्तानी, अगर मैं आपसे एक सवाल छोटा सा कर लूं कि आप मुझे ये बता दें, आपको कभी जेलसी फील हुई है इंडिया की किसी तरक्की से? बल्कि मुझे तो खुशी होती है, मैं अप्रिशिएट करती हूं। खुशी होती है ना, आप भी पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी पाकिस्तानी हूं, हमें हमेशा खुशी ही हुई है। ये पुलवामा में भेज के आतंकवादी हमला करवाएंगे, फिर उस हमले के ऊपर अपने संसद के अंदर तालियां बजवाएंगे, वाह वाह लूटेंगे, हमने हिंदुस्तान को
उसके मारे है जनाब स्पीकर वहां पर। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। लेकिन शर्म करें हम ये नहीं करेंगे, ये तो नंगे लोग है, ये नहीं करेंगे भाई शर्म, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, बेशर्म लोग है ये। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो, क्या पाकिस्तानी सच्चे मन से हमारे लिए कभी खुशी होते हैं क्या? कभी नहीं होते, वो हमें नेस्ता नाबूद करने के सपने देखते रहते हैं। और इसकी छोटी सी मिसाल ये भी देख लो आप, उससे तो मैं इतनी सख्त नफरत है कि जिसकी इंतहा नहीं, उसको तो हमारा बच चले तो पूरे को उड़ा दे हम, क्योंकि हमारे दुश्मनों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन ही वो खबीस है। क्यों यहाँ मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, उसकी इंतहा नहीं है। जो लड़कियों की बहरुमती करते हैं साले, नकाब उतार देते हैं, अच्छा थोड़ी है। दहशत आदि जोश आता है, जोश। वो क्यों? क्योंकि सही नहीं है ना पाकिस्तान से। ऐसा ऐसी सोच क्यों है आपकी कि आप कह रहे हैं कि उनको तबाही कर दें? भाई बहुत से मसले मसाइल हैं, बोल तो रहा हूँ ना आपको। मुल्क तबाह करेंगे तो वहाँ तो लोग भी रहते हैं ना, इंसान रहते हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान को अगर कत्ल कर दे तो फिर तो आपको पता है यार, ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि वहाँ के अपना अब मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर दी, ये गलत बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए पैगाम यही है भाई, उधर भी सबको जीने दो, जो वहाँ के हमारी मुसलमान भाई हैं उनको भी जीने दो, अखिलेश को जीने दो। भाई तो हमारी सोच के खिलाफ रहो, लेकिन हम तुम्हारे आतंकवादियों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। जब तक तुम अपनी आतंकवादी पॉलिसी को बंद नहीं करोगे, जब तक तुम टेरर फंडिंग करना बंद नहीं करोगे, जब तक तुम जिहादियों को पालना बंद नहीं करोगे, तो हम आपके खिलाफ ही रहेंगे। सर मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट पास की है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे। वो ऐसे कि जब तक यूएस जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, तब तक नो गुड रिलेशंस बिटवीन अस, ऐसा कहना था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल ये गलत बात है, हमारा कोई यूएसए से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर से कोई हमारा लेना देना। हम लोग जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है वो अपनी ब्याह पे कर रहा है, अपनी मेहनत पे कर रहा है, अपने बलबूते पे कर रहा है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद इतना डिपेंड करते हैं कि वो मुल्क को आगे ले जा सके, और ये अगर कोई मुल्क का कोई फॉरेन मिनिस्टर या जो कोई भी कहे कि ये हम यूएसए के ग़ुलाम हैं या उनके कहने पर हमें मुल्क में तरक्की मिल रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद अपने बलबूते पे, जो भी आज जिस मुकाम पर भी है अपने बलबूते पे है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा, सुन रहे हो आप, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ठुल्लू। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के साथ यूएस के ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो और बिजनेस भी यूएस के साथ किया जा रहा है, तो फिर भी उनका कहना था कि पाकिस्तान यूएस जो है वो इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि उनके रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास ऐसे ऐसे सोर्सेज हैं कि वो अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ इंडिया का हो सकता है रिलेशन हो। हमारे पास वो इतने सोर्स या वो कह लें कि बड़े इतने वो प्रोजेक्ट या वो इस लेवल का अभी तक कोई काम नहीं नज़र आ रहा कि जो हम ये कह सकें कि भाई हमारे यूएसए के साथ कोई ताल्लुकात हैं। मैं नहीं समझता, बाकी बेहतर आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक पंडित से रिलेटेड वीडियो लाते रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।